वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, जो है आंवले का मुरब्बा। ये देखिए मैंने एयरटाइट जार में करके रख दिया है। आपका मुरब्बा कभी भी ख़राब नहीं हो सकता, आप एयरटाइट जार में करके रखिए और सेफ रहेगा। इधर हमने ले लिए हैं आंवले, 2 केजी आंवले थे, मैंने 1 केजी का बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो। 1 केजी मैं बाद में बनाऊंगी दोस्तों, इसलिए इससे आपको भी पता चल जाएगा कितना आंवले में कितना मीठा पड़ेगा, कितना मतलब मैंने मिश्री ली थी धागे वाली। आइए तो वीडियो में बने रहिए, देखिएगा। ये मैंने ले लिए हैं 1 केजी आंवले। इसमें क्या किया है मेरे हस्बैंड से, मैंने ये देखिए अब फॉक की सहायता से, कांटे की सहायता से इसमें छेद जैसे छोटे छोटे होल टाइप में मतलब गोद दिया है इनको अच्छे से, पूरा मतलब अच्छे से इनको छेद सभी जगह छोड़ा नहीं है, हर जगह इसको अच्छे से खूब इसको गोद देना है। गोदने का मतलब होता है दोस्तों इनमें छेद कर देना है अंदर तक, जो फॉक जाए और अच्छे से इनमें खूब अच्छे से छेद अंदर तक हो जाए, ताकि हमारी चाशनी अंदर तक जा सके। इधर मैंने भगोने में क्या किया था, रात में मैंने इनको बॉयल करके रख दिया था दोस्तों। आप 2 घंटे पहले, आधा घंटे पहले बॉयल करके ठंडा करके इनको नचोड़ लीजिएगा। बॉयल इतना करना है ये सॉफ्ट हो जाए, ठीक है दोस्तों। मेरे थोड़े ज़्यादा बॉयल हो गए थे, क्योंकि इनको चाशनी में भी बॉयल होना होता है, तो मुझे मैंने किए तो थे लेकिन मेरे हल्के से ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि रात भर ये रखे भी रहे थे पानी में गर्म में, मैंने निकाला नहीं था पानी, सुबह मैंने निकाला है। इधर देखिए मैंने नचोड़ के सारे रख लिए, हाथ से दबा के, हल्के हल्के हाथ से दबा के इनको रख लिए। आप स्ट्रेनर में भी स्ट्रेन कर सकते हैं इसको। मैंने इधर ले लिए धागे वाली मिश्री, ठीक है, धागा मिश्री लिखा है ना इसमें। और ये मिश्री में आप बनाएंगे दोस्तों तो आंवला बहुत टेस्टी बनता है और सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है मिश्री, ठीक है। आप चीनी में ना बना के आप धागे वाली मिश्री यूज करिएगा, इसमें आंवले का टेस्ट अलग और उभर के आता है और अच्छा बनता है। देखिए इस तरह से है, इस तरह से आते हैं और इनको तोड़ के आप मिक्सी में महीन पाउडर बना के चाशनी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि पानी हम नहीं डालेंगे, बिना पानी के ही बनाएंगे। आंवले में खुद ही पानी छूटता है, चीनी में ही पानी छूटेगा भी, हम जब दिखाएंगे गर्म करके आपको। हल्का सा 2 बूंद आप लगाना चाहें तो लगा लीजिएगा अपनी संतुष्टि के लिए, क्योंकि डर लगता है कि चीनी है नीचे लग ना जाए, मिर्ची लग ना जाए नीचे। तो देखिए मैंने सारे टुकड़े छोटे छोटे कर लिए हैं दोस्तों, इसको मिक्सी के जार में अब महीन पाउडर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा महीन भी करने की जरूरत नहीं, जितना आप एक बार चला लीजिए बस हो। ये देखिए मैंने आपको दिखाया है किस तरह से, देखिए इतना, ठीक है, बस हो गया। अब इसको हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसको आंवले हम जो लिए हैं वो और ये दोनों चीज़ें, हम ये देखिए मैंने 1 केजी का लिया है, देखो आप लोग को दिखा रहे हैं दोस्तों, मैंने 1 केजी ली है, 1 केजी मिश्री थी मैंने पूरी पीस ली है, ठीक है, और 1 केजी ही आंवले हैं मेरे, ठीक है। तो 1 केजी मिश्री में 1 केजी ही आंवला पड़ेगा, मतलब आंवला 1 केजी रहे, मिश्री भी, दोनों की क्वांटिटी इतनी ही रहनी चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि चाशनी में जब कहते हैं ना, जैसे काले जामुन हम बनाते हैं तो चाशनी भी उतनी रहती है, तो काले जामुन अच्छे से फूल जाते हैं, उसमें डिप रहते हैं अंदर से, भीगे रहते हैं, इसी तरह से हमारा मुरब्बा भी जो है उसमें चाशनी में नहाएगा और अच्छे से खूब घूमेगा और खूब मतलब अच्छे से उसमें पकेगा ना, तो उसको चाशनी चाहिए, पानी चाहिए उस तरह से, मतलब तो चीनी चाहिए। तो आप ये जो मैंने मिश्री है मैंने डाल दी है पिसी हुई कढ़ाई में, ठीक है, मैंने गैस की फ्लेम ऑन नहीं की है दोस्तों। इतना सब करने के बाद तब गैस की फ्लेम ऑन करिएगा, क्योंकि नीचे से अगर हम डालेंगे, देखिए मैं ऑन अप की है गैस, ठीक है, गैस की फ्लेम ऑन बाद में कीजिएगा, इसमें डाल के और अलट पलट करके इसको आंवले के ऊपर पूरा कोट कर दीजिएगा अच्छे से, इसको मतलब मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है, और गैस की फ्लेम धीमी रखिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखिएगा। अगर आप मीडियम भी रखेंगे तो देखते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इसको हिलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो नीचे से लग जाएगा, ठीक है। रिस्क ना लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो थोड़ा सा 2 चम्मच पानी आप इसमें इस स्टेज पे डाल सकते हैं, मैंने भी डाला है आप लोगों को बताने के लिए। अभी डालेंगे थोड़ा सा, इसको मिक्स कर लें दोस्तों पहले, ठीक है, और आप देख लीजिएगा, ज़्यादा हो सके तो इसके पास थोड़ी देर मतलब इसको हिलाते रहिएगा। इधर मैंने काला नमक ले लिया है 2 चुटकी,
तो आप नमक ज़रूर डालिएगा, मीठे में थोड़ा सा नमक डालने से ना उसका टेस्ट और बढ़ के आता है। ठीक है, ये मिला दीजिए, मिश्री मिलाते रहिए। मैंने इसीलिए मिलाया, मैंने बताया मेरे आमले थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, मतलब बॉयल ज़्यादा हो गए थे, पानी में गर्म पानी में रखे रहते, मैंने स्ट्रेनर से स्ट्रेन नहीं किए थे, फिर सुबह मैंने जब नचोड़ा है तब सॉफ्ट ज़्यादा थे, तो पता चल रहा था कि मतलब टूट जाएंगे, ये चाशनी में टूटेंगे बनेंगे, तो थोड़ा सा हल्का सा 80% इसको पकाना है, मेरे ज़्यादा हो गए थे। ये देखिए मैंने दो मुश्किल से एक चम्मच, एक 1 टीस्पून मैंने डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डाला है, हल्का सा आपको लोगों को दिखाने के लिए, आप डाल सकते हैं अगर आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, लेकिन इसके पास खड़े रहना पड़ेगा, इसको छोड़ के ना जाइए। जब ये बिल्कुल पूरी तरह से लिक्विड मतलब हो जाए, लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ये मिश्री जब अच्छे से पिघल जाए पूरा, ये मैंने आधा चम्मच डाली है इलायची पाउडर, आप इलायची भी इस स्टेज पर खोल के इस समय डाल सकते हैं, मतलब छिलका हटा के आप इलायची के दाने भी डाल सकते हैं, अगर फूट के डाल सके तो ज़्यादा अच्छा है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। ये देखिए बस इस तरह से, इसको ज़्यादा नहीं हिला रही हूँ दोस्तों, थोड़े से टूट गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, आंवला टूटा होता है या सजा हो जैसा भी हो, आंवला चाशनी में जब ये मिश्री की चाशनी में जब पक जाता है ना अच्छे से, इसकी चाशनी बिल्कुल कोट हो जाती है इसके ऊपर, और जब ये कलर चेंज कर लेगा, अभी ये दोस्तों इसमें करीब 15 मिनट लगेंगे, 10 से 15 मिनट इसमें लगेंगे पकने में। ठीक है, धीमे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है, बॉयल आना है, अभी उबाल जब आएगा इस पर तो पता चल जाएगा, इसका हल्का सा कलर चेंज होता है, ये देखिए बॉयल आ गया है, अब इसका मतलब ये आमले पकने पे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कलर चेंज और हो जाए इसका, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है दोस्तों, चाशनी पे ध्यान दीजिएगा, चाशनी का टेस्ट चेंज हो जाता है, जैसे ज़्यादा पका लो तो कड़वापन हो जाता है ना चाशनी में, इस तरह से ना हो दोस्तों। देखिए पक गए हैं हमारे आमले, बिल्कुल रसीले एकदम रस से भरे भरे हैं, और आप देख सकते हैं दोस्तों मुँह में पानी आ रहा है इस समय, क्योंकि वीडियो में बाद में डाल रही हूँ आप लोगों को, और इतना इतना यम बना था आंवला, बच्चों ने खूब इंजॉय किया है, बच्चों को बड़ों को सबको खिला सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं सेहत के लिए दोस्तों आंवला इस मौसम में, गर्मियों के दिनों में लू लपट नहीं लगती है दोस्तों, अगर ये आंवला आप गर्मियों के दिनों में खाएँ तो इंजॉय कीजिए, बनाइए मेरे स्टाइल से। आप मेरे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों प्लीज़, बेल आइकन की बटन जो नीचे दी है ना घंटी, उसको प्लीज़ क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों।